बाप भारी ठंडा है। अरे कहीं से लग रहा है कि धुपा उपा नहीं निकलेगा भाई। भैया अरे क्या बात है, तू कहाँ घूम रहे हो? धुपा भी नहीं है, सर्दी में कर क्या रहे? अरे थोड़ा सा हम टहलने गए थे बाजार से, ठीक ना। हाँ। टहल क्या रहे, तो हमको लग रहा है कि घर जाए हो तो थोड़ा सा हम तो बैठ गए यहाँ पे। आओ कहा इस सर्दी में, तो भैया हम भी चल गए थे स्कूल कॉलेज। स्कूल कॉलेज कहे लगी भाई? हम तो भैया गए थे स्कूल, गए थे कॉलेज, गए थे, कुछ नई शिक्षा नीति आया इसके बारे में पता नहीं चल रहा। एक बात का है, हाँ, ये नई शिक्षा नीति के बारे में हम सुने हैं। अच्छा, लेकिन यार ये है क्या, क्या नया है इसमें, क्या नया शिक्षा नीति है, ये हमको भी समझ में नहीं आया। यही तो दुविधा, कोई जानकार व्यक्ति ऐसा है भी नहीं जो मुझे इसके बारे में बता दे। कोई बताता भी तो ऊपर से बताता है। हम बताते हैं, वो कहा है कि हमारे पहचान में सत्य प्रकाश सिंह जी है, वो केसीआई विद्यालय के निदेशक भी हैं, वो राजा पाकर वैशाली के हैं, तो हम तुमको मिलवा देते हैं उनसे। तो ऐसा करो कि हम उनको गार्डन में बुला लेते हैं। हाँ। बगीचा में वहाँ तुम वहाँ पर आओ, या तो साथे चलो, उनसे मिलवा देते हैं, हमको भी जानकारी मिल जाएगा, तुमको भी जानकारी मिल जाएगा। तो भैया ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर वो निदेशक है, उनका स्वयं का भी स्कूल है, तब तो वो शिक्षा नीति के बारे में तो बता ही सकते हैं ना। तो भैया ठीक है, हमको थोड़ा मिलवा दीजिए जल्दी। अरे तो हम मिलवा देते हैं, तुम बस बगीचा में पहुंचो। आओ कहा तो ठीक है, वो वाला बगीचा में आम के पीछे वाला। हाँ, आम के पीछे वाला। हाँ। अच्छा तो चलो। अच्छा वो बगीचे आम के पेड़ के पीछे वाला बगीचा। अच्छा तो थोड़ी देर में आप लेके उनको पहुंचे ना, हम चलते हैं वहीं पर, ठीक है। प्रणाम सर। सर हमारे गांव में राजीव नाम का है एक लड़का है, वो भैया भैया हमको बोलता है, तो वो कॉलेज गया था, तो कल ही उससे हमको बात हुई थी, तो बोला कि आप कॉलेज गए थे, ऐसे ऐसे बात है, तो कुछ नया शिक्षा नीति आया है कॉलेज में, कुछ नई तरह की बात हो गई, तो हमसे पूछने लगा, तो हम बोले कि अरे भैया हमको तो बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो हमारे मित्र हैं उनसे हम उनको मिलवा देते हैं, और क्योंकि वो शिक्षा से उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, काफ़ी कुछ जानते हैं, तो तुम्हारा मार्गदर्शन कर देंगे। तो अभी सर हम उसको बोले हैं आने के लिए, देखे सर बहुत देर हो गया, अभी तक आया नहीं। सर आ गया। नमस्ते सर। नमस्ते। तब राजीव बड़ा देर लगा दिए यार। अब भैया आपको तो बताएं, कॉलेज गए थे सर, कॉलेज बंद था, नई शिक्षा नीति आ रही है, अब हम नए नए कॉलेज में मैं जाने वाला हूँ, मेरी 12वीं की पढ़ाई हो गई है। अब सर नई शिक्षा नीति ये क्या है, इससे मैं बहुत वंचित हूँ, तो सर मुझे कुछ बताइए, नई शिक्षा नीति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? चलिए पहले तो बहुत धन्यवाद, आप जानना चाहें इस चीजों को कम से कम। आज के परिवेश में मेरा ये मानना है कि नई शिक्षा नीति जो आज आई है जी, इसको हमारे प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बताई है, नई तो हम लोग चुके नया आ रहा है इसलिए नई कहते हैं। ये 34 साल बाद 86 में आई थी, उसके बाद ये आज 2020, अभी तो हमारा 23 चल रहा है, अभी भी इम्प्लीमेंटेशन उसके स्टार्ट ले ली गई है, लेकिन 2020 के नाम से एनईपी 2020 के नाम से ये भारतवर्ष में लॉन्च की गई है। अच्छा। और इसको पटल पर लाने का प्रयास धीरे धीरे किया जा रहा है, क्योंकि एक ही बार बहुत बड़ी चीज है, इसको तुरंत लाना भी संभव नहीं है जी। और उच्चतर शिक्षा जो आप जो बात कर रहे हैं 12th के बाद की शिक्षा जी, तो चूंकि मेरा अनुभव ज्यादातर 12वीं तक के विद्यालयों का, चूंकि मैं चलाता हूँ विद्यालय, तो मुझे इसका बड़ा अनुभव है, तो मैं आपको बताऊंगा कि नई शिक्षा नीति शुरू से लेकर के जो पहले 6 साल के बच्चों का हम लोग शुरुआत करते थे, आज वो शुरुआत हम 3 साल के बच्चों से कर रहे हैं जी। चूंकि अभी प्रयोग आए हैं कि बहुत ही छोटे बच्चे वो भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, जैसे आजकल मोबाइल का प्रयोग शुरू हो जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी रह जा रही है, मुझे पता नहीं है कि उसको क्या देना है। गांव के बच्चे हैं तो वहां कैसे खेल रहे हैं, बरसात के बच्चे हैं वहां अलग अलग चीजें सीख लेते हैं, लेकिन उनको विद्यालय शिक्षा या जो प्रणाली है उसके हिसाब से उस पर काम करने की जरूरत है। तो ये नई शिक्षा नीति उसको एक मापदंड में ली है और एक अलग पैटर्न पे लेकर के आई है। सर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि शिक्षा तो सर पहले भी हो रही थी, नई शिक्षा नीति लाने के पीछे जैसे कि आपने बोला कि 2020, तो इसका सर क्या उद्देश्य है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल हम आएंगे विषयों पर। तो
मैं आपको इसका एक लक्ष्य मैं बता दूं, सबसे पहले मोटा मोदी इसका लक्ष्य क्या है, पूरी रूप से जो भारतवर्ष में ने जो चीजें अपनी संस्कृति के रूप में और अपने धरोहर के रूप में जो रखी है संभाल कर इतने दिनों से, तो यह एक बड़ा लक्ष्य लेकर के हमारी जो पूरी टीम है, शिक्षाविद है, और भारतवर्ष में इतना बड़ा सर्वेक्षण कभी नहीं हुआ, जो यह जो सर्वेक्षण हुआ है और इसमें जो टीम बनी है, मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ी टीम इसमें काम की है, गांव गांव से, शहर शहर से, हर एक जिले से, प्रखंडों से जाकर के लोगों से बात करके और शिक्षकों से, छात्रों से, अभिभावकों से मिलजुल करके टीम बनाई गई और उस सर्वेक्षण के बाद नई शिक्षा प्रणाली बनी है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, पहले उसको समझेगा तो उसे सारी चीजें समझ में आएगी। एक ही लक्ष्य है कि पूरे विश्व में भारत को एक ऐसी ग्लोबल सुपर पावर बनाना जो नॉलेज की सुपर पावर हो। तो ये नॉलेज सुपर पावर इसको बनाना है, ज्ञान की एक ऐसी पृष्ठभूमि खड़ी करनी है भारत को कि ताकि भारत फिर से एक विश्वगुरु बन पाए। तो ये जो महत्वपूर्ण जो विश्वगुरु शब्द मैं आज बोल रहा हूँ, ये स्वामी विवेकानंद का सपना था। हमारे स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए में जब उनका भाषण हुआ तो उस समय से हम लोग चीजों पर डोमिनेंट थे, उस तरीके से प्रभावशाली थे। तो आज ये प्रणाली चाह रही है पूरे शिक्षा प्रणाली कि हम उन चीजों को फिर से लाएं, या वो स्किल एजुकेशन को लेकर के हो, वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के हो, तमाम चीजें जो है इसमें साथ में ली गई है। तो ये है शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी भी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, जो पुरानी वाली शिक्षा, चूंकि हम लोगों ने उसी में पास करा है सब्जेक्ट 10th 12th जो भी है 12th ग्रेजुएशन किया, तो मुझे कहने का ही लगा कि लोगों को ऐसी कुछ चीजें ना जबरदस्ती पढ़ाई जा रही है जी, बिल्कुल। तो उन चीजों को बड़ा इजी लगे, बच्चे जो बोझ ना समझे पढ़ाई को। अभी बहुत सारी चीजों को मैं देख रहा था, बहुत सारी चीजों को सुना था, बोले थे कि पढ़ाई बचपन से लोगों को, बच्चों को स्कूल जाने में ये डर सा लग रहा है। एक छोटा सा चुटकुला है, हम लोग बचपन में पढ़े थे चुटकुला, कि एक बच्चा जो है पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी क्या नरक में भी स्कूल होते हैं? तो बोला कि नहीं, नरक में तो स्कूल नहीं होता, क्यों तुम्हें सब पूछ रहा है? तो बोला तो लोग नरक जाने से डरते का है इतना। तो मतलब मुझे ये लगता है कि स्कूल जो है वो बोझ सा बन गया, डर सा बन के रहा है जी। तो उस डर को खत्म करने के लिए कि ऐसी चरितार्थ चीजें नहीं हो, इसको वो दूर करने के लिए स्कूल को बड़ा रोचक बनाया जाए, मनोरंजन भी उसमें हो, तो इसलिए बच्चों को शहरों में हालांकि ऐसा हो रहा है लेकिन आम विद्यालय जो है इस तरीके का हो, तो 3 साल से ही बच्चों को इसमें ला करके और उच्चतर शिक्षा तक ला करके नई शिक्षा प्रणाली जरूर इसको रोचक बनाएगी और बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। सर बात हो रही है यहाँ पे प्रारंभिक स्तर की, तो ये प्रारंभिक स्तर मैं सुनते आ रहा हूँ, ये नई शिक्षा नीति में 5+3+4+3+4 ऐसा क्या है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। ये प्रारंभिक स्तर पर इस बच्चों के लिए ये नई शिक्षा नीति में क्या प्रावधान लाएगा जी? दर्शकों को मैं एक बार बता दूं इसका फैक्ट क्या है। ये 5 साल 3 साल 3 साल और 4 साल, ये जो 4 जो सेगमेंट अभी बताए गए हैं, ये जो शिक्षा प्रणाली में और शिक्षा नीति में जो 4 सेगमेंट्स हैं, इन 4 सेगमेंट को हम लोग इसके ड्यूरेशन के हिसाब से है, 5 का अर्थ है 5 सालों का यह सेगमेंट है, जबकि यह 3 साल से इसकी उम्र सीमा है, 3 साल से लेकर 8 साल। तो 3 साल इसमें बच्चों को, 3 साल के बच्चे शुरुआत करेंगे और 5 साल रहेंगे। तो आप मान के चले कि अमूमन चूंकि कक्षा नहीं बांटी गई वहां, लगभग सामान्य जो भी जो प्रणाली चल रही है उसके हिसाब से समझेंगे तो क्लास 2 तक यह लेवल आ रहा है, ठीक है? यानी मान के चले कि नर्सरी एलकेजी की जो भी चलता है वो, और 1 और 2, तो 2 क्लास तक सरकार मान के चल रही है कि प्रारंभिक स्तर होगा, बिल्कुल प्री प्राइमरी का स्तर होगा कक्षा 2 तक। तो कक्षा 2 तक और कोई परीक्षा इसमें नहीं, सबसे मूल बात यह है, आप सबको याद है, दर्शकों को भी मैं बात बताना चाहूंगा कि आज जो परीक्षा का बोझ बचपन समझा कि चलो भाई आज एग्जाम्स है, पेपर्स है, तो क्लास 2 तक उनको कोई पेपर्स नहीं देखने पड़ेंगे, है ना, पेपर्स नहीं होंगे वहां पे। उसके बाद वाले भी जो फेज है जो 3 इयर्स की होगी है, तो 3 इयर्स की जब बात करेंगे तो मेरे बच्चे आगे क्लास 3 अभी के हिसाब से, तो क्लास 3 का सिलेबस, 4 का सिलेबस, 5 का सिलेबस, ये पूरा कॉम्पोजिट बन रहा है। मतलब उसमें कोई क्लासिफिकेशन है कि चलो 3 पास किए तब 4 में जाओगे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अच्छा। कोई ऐसा कोई कंपटीशन, कोई ऐसा कोई टफ उनके लिए सिचुएशन नहीं क्रिएट करा जा रहा है। तो नई शिक्षा प्रणाली की बहुत खास चीज है कि 5+3 हम लोग समझ गए, अब मेरे बच्चे कहाँ चले गए, कक्षा 5 में चले गए हैं, 5 हम कर लिए, 5वीं हो गई, फिर उसके बाद हम चलते हैं अगला 3रा में चलते हैं, अगला जो 3रा सेगमेंट है उसमें भी 3 साल का है, तो समझते हैं 6, 7, 8, इसको मिडिल स्कूल बोला जाता है जनरल भाषा में, इसमें इसको इसको मध्य विद्यालय या मिडिल लेवल इसको कहा गया है। तो ये 3 साल में बच्चे हमारे चल गए 8वीं क्लास में, वहां पे एक परीक्षा होगी, नॉर्मल परीक्षा होगी, और 6ठी 7वीं 8वीं के अंदर जो परीक्षाएं होंगी उसमें पास करने का कोई क्राइटेरिया नहीं फिक्स हो रहा है। तो ये 6, 7, 8 करके 3रा हो गया, तो 5, 3 और 3।
और अभी जो सबसे जो बड़ा सेगमेंट है जिसमें हम लोग बोर्ड की परीक्षा अभी देते हैं दसवीं और बारहवीं के, तो विद्यालय यहीं पे समाप्त होगा अगले चार वाले में, तो उसमें नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं, इसमें दसवीं का जो बोर्ड हो रहा है ऐसी बातें आप बराबर सुनते होंगे, आम भाषा में आ रही है, सरकार ने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा कि दसवीं की बोर्ड नहीं होगी, हम लोग भी सीबीएसई के विद्यालय में है तो वहां पे लोग प्रश्न पूछते हैं सर दसवीं में बोर्ड नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, उसको सिलेबस और जो बातें हैं उतनी पढ़नी होगी, किंतु जो सबसे बड़ा परिवर्तन मैं अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं दर्शकों को मैं बता दूं कि हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग थे कि चलो भाई कोई साइंस का है, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, कोई वाणिज्य का है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो अब ये बातें समाप्त हो गई है, अब आपके लिए प्रत्येक विषय अपने अपने मापदंड के हिसाब से, अपनी स्वेच्छा के हिसाब से, अपनी टैलेंट के हिसाब से हम चुन सकते हैं, यानी अगर कोई एक बच्चा फिजिक्स पढ़ना चाह रहा है, विज्ञान पढ़ना चाह रहा है, उसके साथ अगर वो चाहता है कि हम पॉलिटिकल साइंस भी पढ़े, सामाजिक अध्ययन भी करें, सोशियोलॉजी भी पढ़े, तो जो भी विषय इसके अंतर्गत आएंगे हम उसमें इतिहास के भी ले सकते हैं, अगर चाहेंगे कि मुझे अकाउंटेंसी पढ़ना है तो हम अकाउंटेंसी भी ले सकते हैं, कोई चाहे कि रसायन विज्ञान तो रसायन विज्ञान भी ले सकता है, तो ये बारहवीं तक में नौवीं से ही आपका इसका चयन हो जाएगा और सब्जेक्ट आपके हिसाब से होंगे ताकि हम उसमें ज्यादा निपुण हो सके, क्योंकि निपुण भारत का जो है ड्रीम, ताकि हम विश्व पर चीजों को समझ पाए, देखते हैं वो चाइना में बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे प्रोडक्ट कर ले पा रहे हैं, हमारे यहाँ चीजें से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वो दसवीं तक तो रहते हैं प्रेशर में, उसका एक खास एज उस प्रेशर को झेलता होता है कि चलो भाई बोर्ड की एग्जाम से देखो भाई तुम एग्जाम पे ध्यान दो, मोबाइल को छू लिया, तुम रिमोट क्यों समझ रहे हो, तुम क्यों तार जोड़ रहे हो, तुम खेती में क्यों जा रहे हो, चलो बोर्ड के एग्जामिनेशन है, तो इन चीजों को दूर करने के लिए 15 साल तक के बच्चों को ये इस प्रकार की प्रणाली में लाने का प्रयास किया गया है, ये इसका मूल उद्देश्य के साथ भी जुड़ा है और ये सेगमेंटेशन किया गया है और इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे इसमें लाया जा रहा है, शुरुआत की जा रही है। सर आप जैसा कि बताया कि पहले जो मैट्रिक का जो परीक्षा होता था तो दसवीं पास करने के बाद मैट्रिक का परीक्षा होता था, लेकिन अभी आपने कहा कि नौवीं क्लास से ही आप किसी भी विषय को लेकर फोकस कर सकते हैं और सारे विषय पर लोगों को पढ़ाई करनी होती है। हाँ, जैसे इसमें अनिवार्य पांच विषय बनाए जाएंगे अभी तक के हिसाब से, आगे इसमें अच्छी कमी होगा तो पांच में एक भाषा है। अच्छा। ठीक है, कोई एक भाषा हम भारतवर्ष में बोली जाने वाली किसी भाषा को भी वो हम लोग ले सकते हैं और क्षेत्रीय भाषा भी हम लोग ले सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी बात यह है। ठीक है। अच्छा सर, इसमें अगर जैसे किसी ने एक दो साल पढ़ाई बीच में अगर छोड़ दी, मैं किसी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाया, तो क्या फिर उसको वहां से शुरू करना पड़ेगा? जी जी, तो ये उच्चतर शिक्षा में जो आपने जो प्रश्न पूछा ये बहुत रिलेवेंट हो रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक होगा, कहा जब हम ग्रेजुएशन की बात करेंगे, 12th के बाद ग्रेजुएशन अब चार सालों का होने वाला है। अच्छा। इसमें क्या है, क्रेडिट स्कोर की तरह जैसे आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट होता है ना, जैसे आपके पास 200 रुपए हैं, आपने 50 रुपए खर्च किए तो 150 रुपए बच गए, तो इसी प्रकार से इसमें अगर आपका पूरा कोर्स का जो मॉड्यूल है आपका 4 इयर्स का है, आपने एक साल ही किया तो एक साल में आपको एक डिग्री आपके हाथ में छोटी सी होगी जिसको आप लेकर के अगले 2 साल के बाद आपने ड्रॉप कर दिया फिर आके लेंगे तो फिर वो आपको क्रेडिट आपके हाथ में होगा, आप दूसरी चीजों में चले गए एडमिशन लेने उसकी वैल्यू होगी कि नहीं आपने वाणिज्य में जो है एक साल पढ़ाई की। हाँ, तो वो सारी चीजें इसमें होगा, कोई जरूरी नहीं कि आपको पूरा ऑनर्स करके ही डिग्री हाथ में लगेगी, तो एक बहुत बड़ा इसमें प्लस पॉइंट है। आपका जो प्रश्न है उसका ये उत्तर है कि आपके पास सारी चीजें क्रेडिट के रूप में इसको वो रहेगी, स्टोर रहेगी, मतलब फिर तो वो शुरू नहीं करना। जी 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 जी, वो आपके डिजिटल अकाउंट एक बन रहा है इसमें जिसमें वो चीजें सामने आएंगी। सर बहुत अच्छी बात आपने बताई, हम सर ये जानना चाह रहे हैं कि आपने सर एक बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि पहले छठी के बाद मतलब 6 साल के बाद हम बच्चों को पढ़ाई शुरू करते थे, लेकिन अब वो 3 साल में ही पढ़ाई शुरू हो जाती है, तो मतलब ये क्या सर, इसमें क्या नया है, क्या प्रावधान है इसके? बिल्कुल, 3 साल के बच्चों में जो आज के परिवेश की अगर बात करें तो जो संवेदनशीलता है आज के परिवेश में, बच्चे इतने टेक्निकल और यूं माने कि प्रकृति के हिसाब से जो ग्लोबल जो सिस्टम चल रहा है आज, या यूं कहे कि पॉल्यूशन हो सकता है कारण, जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं कारण, अगर इसके पीछे जाएंगे तो तमाम ऐसे कारण है, वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं और इस परिवेश के भी कारण हो सकता है, परिस्थितिक का भी परिवेश हो सकता है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग तरीके के प्रभाव है, तो मैं मानता हूं कि ऐसे स्थिति में 3 साल के बच्चे इतने परिपक्व हो जा रहे हैं कि हम उनको कुछ भी सिखाएं तो उसकी कॉपी कर लेते हैं वो तुरंत, तो प्रमुख मूल उद्देश्य है, जैसे बच्चे बचपन में माँ बोलने लगते हैं, पापा बोलने लगते हैं तो आसान आसान चीजें समझने लगते हैं, तो ऐसे चीजें उनको दी जाए जिससे वो बेहतर अपना विकास कर प्लेइंग स्कूल की तरह। हाँ, जी जी जी, यही प्रयास है सर। ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं
उस पे क्या ऐसा बनाया गया है कि उसे इस नई शिक्षा नीति का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे? बिल्कुल, बात करिए ग्रामीण, तो मेरा अनुभव रहा है, मैं 10-12 साल से मैं गांव के बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं। परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है, अगर शहर की बात करें, शहरी क्षेत्र के विद्यालयों की बात करें, बच्चों की बात करें, और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ एक अलग ही तरीके के बच्चे अभाव देखे हैं जी। वहाँ के लोग उतने भी फास्ट जो जनरेशन है वहाँ पे वो उतनी स्किल्ड नहीं हो पाती है, क्योंकि अभिभावक भी होते हैं थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां बच्चों को ज्यादा जरूरी है कि सरकारें उन पर ध्यान दे और जो प्रणाली है उसमें ऐसा पैटर्न है। इसलिए ग्रामीण शिक्षा पे और ग्रामीण जो परिवेश है वहां मैं मानता हूं कि ये जो NEPI है, नई शिक्षा प्रणाली, या यूं माने कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव वहां होने वाला है, जहां स्किल एजुकेशन पर ज्यादा फोकस होगा। स्किल एजुकेशन होना इतनी ज्यादा जरूरत है, मैं खुद इसको मानता हूं कि जो आज छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पता नहीं होता है कि घर में खाना कैसे बन रहा है, ये जो चावल आ रहा है कहाँ से आ रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज द स्किल। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये कलम कहाँ बन के आ रही है, किताब कैसे बाइंडिंग होती है, तमाम ऐसी चीजें, ऐसे विषय हैं। पौधे में पानी देना है तो मम्मी कोई चाय बनानी तो वो कैसे बनेगा, तो एक एक चीज एक स्किल होता है जी। तो उस स्किल एजुकेशन पर NEP पूरा फोकस कर रही है, और वहां से बच्चों को रोजगारोन्मुख शिक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में कैसे आएंगे, मैक्सिमम लोग आज सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, खास करके हम लोग इस क्षेत्र में बिहार राज्य से हैं। बिहार राज्य में आप देखेंगे कि बच्चे 10वीं पास करते हैं कि बंगुआ कथी करें, सही नौकरी ना मिले जी। तो ये नौकरी, पढ़ाई को सीधे नौकरी से जोड़ दिया गया, तो पढ़ाई को एक शिक्षा से जोड़ा जाए, ज्ञान से जोड़ा जाए, उसके अंदर नॉलेज स्ट्रीम ऐसी आए कि ना दे सुड बी कुछ भी करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाए। तो जैसे सक्षम भारत हमारा बन पाएगा, आत्मनिर्भर भारत कैसे बन पाएगा, इसको लेकर के ग्रामीण बच्चों में इन चीजों की ज्यादा जरूरत मैं महसूस करता हूँ। भाषाओं को लेकर के भी काफी कमी है, तो भाषाएं भी जो ग्लोबल भाषाएं सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए, इसका प्रावधान NEP में है। सर आपने जैसा कि बताया कि बच्चे जैसे स्कूल जाने से डरते हैं जी, तो इस नई शिक्षा नीति में आप ऐसा कितने सारे बदलाव आए, शायद वो मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, जिससे बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रेरित हो, और साथ ही साथ महिलाएं जो छोटी बच्चियां रहती है उनको ये नई शिक्षा नीति कैसे प्रेरित करता है, वो बढ़ चढ़ के आगे बढ़े और पढ़े? बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं। अभी आपने बताया कि बच्चों को डर लगता था पहले, तो अभी आप देखेंगे शहर में प्ले स्कूल का एक पैटर्न चल रहा है जी। बिल्कुल, तो प्ले स्कूल यानी कि खेल खेल में शिक्षा मुझे चाहिए जी। तो कैसे वो खेल खेल में शिक्षा लेंगे, और जैसे उसको खेल मिलेगा ये पढ़ाई, इसको बताया कौन? अगर आप हमसे पूछेंगे ना, तो आप ऐसा सोच के देखिए कि पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई चिड़िया नहीं थी। वो बच्चा कोई जन्म लेता है, उसको स्टार्टिंग के बताया जाता है कि देखो सर है जी। मेरे तो अगर मानेंगे दर्शकगण, अगर मेरी बात माने, आपके घर में कोई बच्चे हो, तो आज से उसको आप पढ़ना कहना छोड़ दें, ये सबसे बड़ा मतलब ये बदलाव होगा। मुझे लग रहा है कि आज के इस वीडियो से, आज के जो संदेश हमारा जो चल रहा है, इससे सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि हम बच्चों को जो पढ़ने के लिए कहना शुरू करते हैं, वहीं से बच्चा डरना शुरू कर देता है पढ़ाई से। उसे लगता है कि पढ़ाई करना एक अभिभावक के रूप में से सबसे बड़ा दंड मुझे मिल रहा है, शिक्षक के सबसे बड़ा दंड मिल रहा है। तो मैं एक शिक्षक भी होने के नाते सबसे मेरी अपील होगी, आप सबसे मेरी अपील होगी कि बच्चे को पढ़ना है ऐसा ना कहें, क्योंकि उसको लगता है कि पढ़ना ही क्यों कह रहे हैं, खाने के लिए नहीं बता रहे हैं, खेलने के लिए नहीं बता रहे हैं। तो मैं बताऊं आपको कि आप बराबर प्रतिशत मात्रा में सबको सब चीज करने के लिए दें। नई शिक्षा प्रणाली इसी पर काम कर रही है कि चलो भाई तुमको झाड़ू भी लगाना है बराबर रूप से, तुमको पौधों को भी देखना है, पेड़ भी लगा रहे हैं तुमको, तुमको जो है चिड़िया को दाना देना है, गाय को भी खाना देना है, ये समझना है आपको सारी चीजें, क्योंकि सब एक बराबर स्वरूप है। आपकी जीवन शैली में हर एक चीज का सामान्य रूप से योगदान है, उससे आपका जीवन आगे बढ़ता है, जीवन चलता है। शिक्षा तो एक महत्वपूर्ण पार्ट है ही है, तो शिक्षा केवल किताब से, कॉपी से, कलम से संभव हो, इस बात को हटाने का प्रयास करेंगे तभी जाकर के बच्चों के अंदर वो रोचकता आएगी, उनको लगेगा कि नहीं पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है ज्ञान के लिए है, उससे मुझे ईशान न विद्या न तपो न ध्यानम। तो विद्या जो है वो बस महत्वपूर्ण है, केवल शिक्षा किताबी शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और मैं तो कहूंगा कि ये जो शिक्षा का जो विभाग बना है, शिक्षा मंत्रालय, SRD को नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय हुआ है, मेरे हिसाब से इसका नाम विद्या मंत्रालय होना चाहिए, ज्ञान मंत्रालय होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि इस पर फिर से एक बार सरकारें सोचे, मेरी अपील है कि इसका नाम हम ज्ञान मंत्रालय क्यों नहीं करें, जब हम नाम बदल ही सकते हैं, तो उसको नाम बदल के ज्ञान, चूंकि शिक्षा एक बहुत छोटा सा पार्ट है पूरे ज्ञान के अंदर, विद्या के अंदर, चूंकि विद्या ददाति विनयम, इसको लेकर के हमारी सोच है
कि इसको बेहतर काम हो, बच्चे अच्छा बने, संस्कारी बने। सर ये बाल वाटिका क्या है? ये सरकारी विद्यालयों में जैसे केंद्रीय विद्यालय में ये बहुत प्रचलित हो चुका है, ये बाल वाटिका, इसके बारे में कुछ जानकारी दे हमें। बाल वाटिका जो इसमें जो सेगमेंट है एनईपी के अंदर जो सेगमेंट बनाए गए हैं, जो प्रथम 5 सालों का जो पूरा जो बनाया गया है सेगमेंट 5-3-3-4, फिर से दोहरा लूं, 5 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष, आखिरी के 4 वर्ष है, यानी सबसे स्टार्टिंग में जो बच्चे शुरुआत करेंगे वहां से लेके 12वीं कक्षा तक में उनको जाना है। तो पहला वाला जो पार्ट है उसमें बाल वाटिका जो नामांकन हो रहा है बच्चों का, उसको बाल वाटिका एक नाम दिया गया है। बाल वाटिका कहने का अर्थ है कि जो किंडर गार्टन, जिसको अगर अंग्रेजी भाषा में समझे किंडर गार्टन, जो केजी शब्द हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में सुनते हैं उसका हिंदी स्वरूप यही बाल वाटिका है, ये कोई नई चीज नहीं है, कॉन्वेंट स्कूल्स इसको बहुत शुरू से ले रहे हैं। हाँ, सरकारी विद्यालय इन चीजों को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किए थे, आंगनबाड़ी के माध्यम से भले इसका काम किया गया था, और इस योजना में भी बाल वाटिका आंगनबाड़ी के माध्यम से ही चलाई जाएगी, जिसमें 3 वर्ष के बच्चे 3 से 4 वर्ष, फिर 4 से 5, और इस प्रकार से जो है 3 स्टेप में इसको लाया जाएगा, जो 5 सालों का पूरा एक सिस्टम होगा जिसमें बच्चे वहां खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, बच्चों को उचित पोषण दिया जाएगा, सब प्रकार की चीजें उसमें की जाएगी। तो बाल वाटिका का मूल उद्देश्य ये है कि खेल खेल में बच्चों को ज्ञान देना, उसको जीविकोपार्जन के लिए बहुत सारी चीजों को बताना, दैनिक उपयोगी के सब वस्तुओं के नाम बताना, कलर्स के बारे में बताना, हर एक चीज जो हम किंडरगार्टन के बारे में अपेक्षा रखते हैं, तो वो चीजें सरकारी विद्यालय भी करा रहे हैं और निजी विद्यालय को भी कराना है, ये सरकार की अपील है। सर भैया ये तो बहुत बढ़िया हो गया, राजू तुमको तो सारा जानकारी मिल गया। हाँ भैया, और हमारे तुम्हारे साथ साथ हमको भी बहुत कुछ जानने को मिला, हमारे गांव भर के दर्शक भी बहुत कुछ जाने हैं। सर हम चाहते हैं कि आप हमारे प्यारे दर्शकों को एक प्यारा सा संदेश दें। प्यारे दर्शकों को मेरा ये संदेश है कि जो नई शिक्षा प्रणाली है इसमें भारतवर्ष को सचमुच निपुण भारत बनाना है, और सरकारें भी कर रही हैं, आपका बड़ा प्रमुख इसमें योगदान होगा। बच्चों को रोजगारोन्मुख शिक्षा, बच्चों को किताबी शिक्षा से अलग हटके उनको कैसे किसी चीज को सीखना है, कैसे हम बेहतर से बेहतर ज्ञान प्राप्त कराएं बच्चों को, स्किल एजुकेशन करा पाए, इसको लेकर के हम प्रयास करेंगे कि आप सबके अंदर ये भावना है कि बच्चों को एक सशक्त छात्र बनाना है और भारतवर्ष को एक निपुण भारत की ओर लेकर के जाना है। धन्यवाद सर, आप यहाँ पर आए, हमारे दर्शकों को और साथ ही राजीव को भी जानना था, तो ये जो नई शिक्षा नीति है इसके बारे में आपने सर बहुत विस्तार से हम लोगों को बताया, आप यहाँ पर आए सर, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।